हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तुझे राजी करूं या रब को राजी करूं, तू अपने हक मुझे माफ कर दे, अल्लाह को मैं राजी कर लेता हूँ। माँ ने कहा जाओ पुत्र मैं इजाजत देती हूँ। गए जंगलों में, जिक्र व फिक्र में लगे रहे, तन्हाई में उसको याद करते रहे, दिन रात जिक्र के चिराग रोशन रखे। 12 साल गुजर गए हक की तलाश में। एक दिन वापस बुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे, ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाजे को दस्तक देने लगे तो इस ख्याल ने हाथ रोक लिया कि सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया कोई नहीं, अब दुख भी क्यों देने लगे हो। रात का एक पहर बीत गया है, सर्दियों की लंबी रात है, माँ बिस्तर में लेटी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाजा खोलेगी, दरवाजे के साथ ही लग के बैठ गए और सारी रात काट दी इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ ना हो। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया, समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और वजू का पानी है, तो फौरन दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद में अभी आई। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से जान लेती हैं ये किस बेटे के हाथों का लमस है। 12 साल के बाद आए, दस्तक दी, कहा बेटा बायजीद में अभी आई। माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पे रहती हैं। अल्लाह अकबर, कहते हैं कि माँ ने दरवाजा खोला, 12 साल जंगलों की खाक छानते बीत गई थी, परा गंदा सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे पे पड़ी तो उसकी चश्मान से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने ऐसे हाथ फैला के कहा मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूं, तू कहाँ मौजूद है। तो माँ बाप की रजा अल्लाह की रजा का दरवाजा खोलती है। जिन लोगों के माँ बाप नाराज हैं और वो जाके पीर साहब की खिदमत करते हैं और मियाँ माँ के कदम चूमो, बाप की टांगे दबाओ, उनकी खिदमत करो, तुम्हारे पहले मुर्शिद वो हैं, उनको राजी करो, फिर किसी शेख कामिल की सोहबत में आना, देखो कैसे दिल की बंद खिड़कियां खुलती हैं। एक मुर्शिद तो नाराज कर रहा है और दूसरे मुर्शिद से तुम्हें क्या मिलेगा, तो रास्ता यहीं से खुलेगा। वालदेन को कभी नाराज ना करो, वालदेन को कभी दुख ना दो, वालदेन को कभी तकलीफ ना पहुंचाओ।